यस तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कर लिए थे पार्टीशन फंक्शन के जो एप्लीकेशंस थे वो संवितरण फंक्शन के अनुप्रयोग कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, टोटल ये मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा और मैथमेटिकल पोर्शन में हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए, तो मिस्टेक हो भी जाए तो आप लोग कर लेना उसको, ठीक है ना। लिखते हैं इसको टॉपिक को, हिंदी में बोलते हैं इसको एक परमाणु की आदर्श गैस का संवितरण फलन, एक परमाणु आदर्श गैस का संवितरण फलन लिख लेना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, करते हैं। देखो मोनो एटॉमिक का मतलब एक ऐसी गैस जिसके सभी जो मॉलिक्यूल्स है सभी मॉलिक्यूल्स का मास इक्वल हो, सभी अणुओं का द्रव्यमान क्या हो समान हो, वो है मोनो एटॉमिक। और आइडियल गैस का मतलब जो गैस ये एनआरटी इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, वो क्या है आइडियल गैस। ठीक है, तो देखो लेते एक बॉक्स लेते हैं, ये कोई बॉक्स है भाई, ये कोई बॉक्स हो गया, ये भी ले गए क्या, ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इसका नहीं, सेंटर पॉइंट में मान लो किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स, इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन, ये इसकी एल एक्स लेंथ है, ये इसकी एल वाई लेंथ है, और ये क्या है इसकी एल जेड लेंथ, कौन सी ये ओ यहां पर लिख दूं, ये जो लेंथ है ये वाली है एल जेड, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का मतलब पात्र, पात्र का आयतन, पात्र का आयतन वी है, क्या हो जाएगा ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, वी इज इक्वल एल एक्स एल वाई एल जेड। ठीक है, ये ले लिया भाई। अब इस कंटेनर में क्या भरी हुई है, एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, और ये इसकी जो तो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और जेड में भी करेंगे, ऐसे मोशन कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने मान रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या इतनी ही मान रहे हैं कि ये केवल कंटेनर की जो वाल्स है ना, इस पात्र की दीवार, दीवार से टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर नहीं करते। मॉलिक्यूल्स में कितना इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कितना इंट्रैक्शन हो रहा है अपन उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल अपन बात करेंगे कि ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो केवल कंटेनर की जो वाल्स है, जो पात्र की दीवार है, उसी से केवल कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या आएगा, वो अपन को डिटरमाइन करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एल एक्स एल वाई एल जेड हाइट विड्थ और ऊंचाई का क्या है, कोई कंटेनर जिसमें कोई मोनोएटॉमिक गैस भरी हुई है, लिख लो इसको। माना एल एक्स कोमा एल वाई कोमा एल जेड, सॉरी माना लंबाई एल एक्स चौड़ाई एल जेड ऊंचाई ऊंचाई एल वाई तथा चौड़ाई चौड़ाई
एल जेड के आयताकार बॉक्स में, आयताकार बॉक्स में कोई एक परमाणु आदर्श गैस, एक परमाणु आदर्श गैस भरी हुई है। एक परमाणु आदर्श गैस भरी हुई है। लेट ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, लेट ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस फिल्ड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ एल एक्स, हाइट एल वाई एंड विड्थ एल जेड। लेट ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस फिल्ड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ, हाइट एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली, है ना, ये लिख लेना। आगे पात्र में गैस के अणु केवल दीवारों से टक्कर करते हैं, पात्र में गैस के अणु केवल दीवारों से टक्कर करते हैं। अणुओं में आपस में कोई टक्कर नहीं होती, आपस में कोई टक्कर नहीं होती, ये लिख लेना। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड ओनली विथ, कोलाइड ओनली विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। द मोलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड ओनली विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर, देर इज नो कोलिजन बिटवीन मोलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये लिख लेना। अब एक अक्ष की बात करेंगे, वाई और जेड के लिए अपन लिख देंगे सिमिलरली। अब आगे देखो, माना एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील कण का संवेग पी एक्स है। एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील कण का संवेग क्या है, पी एक्स है, तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। अतः प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा क्या मान लूं भाई, ई एक्स मान लूं 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर होता है, इसको अपन पी एक्स स्क्वायर बाई 2m भी तो बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास में जो एम वी एक्स स्क्वायर आ रहा है डिवाइड में 2 है, इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ई एक्स इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ये लिख लेना। लेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लेट गतिशील अणु, लेट द मोमेंटम ऑफ मूविंग मोलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, लेट द मोमेंटम ऑफ मूविंग मोलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस इज पी एक्स एंड द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल इज स्मॉल एम, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मोलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मोलिक्यूल ई एक्स इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ये लिखो भाई यहाँ तक, ऐसे कैसे, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को साइड में लिख देता हूँ, मैं इसको रफ कर दूँ। ये लो भाई पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, ये क्या आ गई, ई एक्स आ गई, ये इक्वेशन 1 है। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है
ट्वेल्थ में पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और सर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना, क्या पढ़ा हुआ है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डे ब्रोगली परिकल्पना। डे ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है, डे ब्रोगली परिकल्पना होती है कि जो गतिशील कण है मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, एक तरंग, गतिशील कण से संबंधित क्या होती है, एक तरंग, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होती है, एच बाई पी, और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, एच बाई पी। ये पढ़ा हुआ है, लिखे इसको, और यहाँ पर ये देखो, ये पहले यहाँ पर क्वेश्चन करेगा फिर यहाँ पर करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से जो पार्टिकल स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से क्या हुआ, पार्टिकल स्टार्ट, तो देखो क्या करेगा, वो यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, ऐसे होगा, एक ही वाल से जब वो दो बार टक्कर करेगा तो क्या करेगा, वो Lx तो इस साइड जाएगा और Lx ही वापस आएगा, एक ही वाल से वो दो बार कोलिजन करेगा, Lx इस साइड जाएगा और Lx वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 2Lx। एक ही वाल से दो बार टक्कर करने के लिए कितनी डिस्टेंस फॉलो करेगा, वो 2Lx, ठीक है, और मोमेंटम कितना है, Px, कितना है, Px, तो लिख दूँ इसको, लिखो, देखो, क्योंकि सिंस प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंधित एक तरंग होती है, एक तरंग होती है, ठीक है, ए वेव एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, ए वेव एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, ए वेव एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, ठीक है, तथा प्रत्येक कण एक ही दीवार से, एक ही दीवार से एक ही दीवार से दो बार टकरों के मध्य 2Lx दूरी तय करता है, 2Lx दूरी तय करता है, फिर लिखना है एंड ईच मॉलिक्यूल फॉलो ट्रेवल 2Lx डिस्टेंस टू मेक कोलिजन ट्वाइसली विथ ए वाल एंड ईच मोलिक्यूल ट्रेवल 2Lx डिस्टेंस टू मे कोलिजन ट्वाइसली विथ ए वाल, ठीक है, ये आ गया। अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है मोमेंटम है पी एक्स और ये है 2Lx, ये आएगा एच के इक्वल, क्या आएगा, एच के इक्वल। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, देखो कैसे, लेमडा बराबर एच बाई पी होता है क्या, लेमडा क्या टोटल डिस्टेंस और ये कितना है 2Lx इज इक्वल एच बाई पी एक्स, तो 2Lx Px बराबर h, वही तो बात है ना, ये कर लेना इसको, ठीक है। अब आगे देखो Px की वैल्यू क्या आ रही है, इसको रब कर देता हूँ मैं, तो मैंने क्या लिखा, क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि यदि कण गति करेगा तो उसी गति से संबंधित क्या आएगी, एक तरंग आएगी, क्या आएगी, एक तरंग, ठीक है, जब उससे रिलेटेड एक वेव आएगी और वो वेव क्या करती है, लगातार दो बार कोलिजन करती है, लगातार दो बार कोलिजन
तो वो कितनी दूरी तय करेगी, एक ही वाल्व के लिए एलएक्स जाएगी, एलएक्स वापस आएगी, तो 2LX दूरी। तो आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से Px इज इक्वल एच बाई 2LX, एच बाई 2LX। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि एच कट इज इक्वल होता है एच बाई एच अपॉन 2π, एच अपॉन 2π। तो यहाँ पर एच इज इक्वल एच कट 2π हो जाएगा, तो लिख दूँ यहाँ पर Px इज इक्वल एच केट 2π ओवर 2LX। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो Px इज इक्वल एच केट या पाई एच केट अपॉन LX, पाई एच केट अपॉन LX, ठीक है। इसको मैं कहाँ पर रख दूँ, इक्वेशन वन में रख दूँ, इसको मैं इक्वेशन वन में रख रहा हूँ भाई, समझ में आ रहा ना। ये एक गैस भरी हुई है तो इसका आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और मोनोएटमिक गैस क्या होती है, इसमें सभी मॉलिक्यूल्स का मास इक्वल हो, ठीक है। और कोलिजन इस प्रकार की होगी, ये केवल वाल से ही कोलिजन हो, इसकी दीवारों से टक्कर हो, आपस में टक्कर नहीं है। तो जो उसका जो इन आपस का जो इंट्रैक्शन है उसका तो अपन को ध्यान रखना ही नहीं है, केवल वाल्स की जो वाल्व से जो कोलिजन होगी उसकी केवल आपको क्या लेनी है, काइनेटिक एनर्जी ये लेनी है। और मॉलिक्यूल को एक वेव मानना है, वेव के लिए जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करके पीएक्स की वैल्यू लेनी है, ये पीएक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में रखनी है। अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा, ईएक्स इज इक्वल देखो 1 बाई 2 एम पी एक्स क्या हो जाएगा, पाई एच केट बाई एल एक्स होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दें, ई एक्स इज इक्वल पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर अपॉन 2 एम एल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई भाई, ओके। और ये इक्वेशन सेकंड, अब मैं इसको लिखता हूँ साइड में, जो इक्वेशन अपन को ऑब्टेन होती जाएगी उसको साइड में लिखते जाएंगे। ई एक्स की नई वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर अपॉन 2 एम एल एक्स स्क्वायर। आगे देखो अतः एक्स एक्स के अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील अणु के लिए एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील अणु के लिए संवितरण फलन, सो पार्टीशन फंक्शन, सो पार्टीशन फंक्शन फॉर मूविंग मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, जेड एक्स मान लें उसको, क्या मान लें, जेड एक्स क्या होता है, एक्स में मॉलिक्यूल कितने माने, एन एक्स इज इक्वल 1 to infinite मान लें, मिनिमम 1 तो होगा ना, 1 to infinite टोटल की बात कर रहा हूँ, अणुओं के लिए गतिशील अणुओं के लिए फॉर मूविंग मॉलिक्यूल्स, देखो क्या हो जाएगा भाई, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एक्स। तो जेड एक्स इज इक्वल समेशन एन एक्स इज इक्वल 1 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एक्स, बीटा ई एक्स, बीटा की वैल्यू 1 by kT, चलो मैं बीटा लिख दूँ, ऐसे कैसे, ई एक्स की वैल्यू पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर अपॉन 2 एम एल एक्स स्क्वायर। अब जितने मॉलिक्यूल उतनी बार इनको जोड़ दो भाई सब, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल उनके लिए जोड़ देंगे। अब देखो भाई समेशन एन, समेशन को समाकलन में परिवर्तित करने पर
ये जो आपके पास सम्मेशन है इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन में। सम्मेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना होता है। तो कर दे, यानी जब क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है ना, जब क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सम्मेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ऑन चेंजिंग सम्मेशन इंटू इंटीग्रेशन, सम्मेशन इंटू इंटीग्रेशन, टीग्रेशन, टीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, देखो जेड एक्स इज इक्वल, ये कर दिया इंटीग्रेशन, मिनिमम वैल्यू वन टू इनफाइनाइट होगी, वन टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल, एन एक्स के लिए हो रहा है भाई इंटीग्रेशन, माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर ओवर टू एम एल एक्स स्क्वायर, टू एम एल एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या है, अब देखो इंटीग्रेशन है एन एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर कोई डी एन एक्स आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो रहा है मेरे लिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, कुछ मान लें इनको, हाँ यू स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, मान लेता हूँ इसको, ये मान लेता हूँ मैं, लेट ये जो बीटा पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर बाई टू एम एल एक्स स्क्वायर है, इसको मैं यू स्क्वायर मान लूँ, क्या मान लूँ, यू स्क्वायर, तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या जाएगी, देखो बीटा बाई टू एम स्क्वायर ठहरते यहाँ पर पावर वन बाई टू, ठीक है, और ये पाई एच केट बाई एल एक्स, पाई एच केट बाई एल एक्स, ठीक है, और ये बच जाएगा यू, ये हो जाएगा यू। अब क्या करें, ये करना पड़ेगा इसमें, देखो एक जगह मिस्टेक हो गई, वहां से सही करो इसको, मैंने ये लिखा था पी एक्स टू एल एक्स इज इक्वल एच, यहां पर एन एक्स भी साथ करो, यहां पर एन एक्स साथ करो, तो एन एक्स साथ करने पर यहां से जो पी एक्स की वैल्यू है वो एन एक्स, ये यहां पर ये इक्वेशन लिखी थी ना एच, वहां पर एन एक्स साथ कर लेना, कोई इंटीजर कोएफिशिएंट है यहां पर, अपॉन टू एल एक्स, तो यानी इस एच के साथ में एन एक्स भी साथ चलेगा, तो सभी जगह एन एक्स कर लेना, तो आपके पास में जो फॉर्मूला था ई एक्स इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम यही था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला चल रहा है ना, मैं चलो पूरा बता देता हूँ एक बार, पी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स एच बाई टू एल एक्स, इस एच की वैल्यू क्या थी, एच केट इंटू टू पाई, ये टू से टू कैंसिल, एन एक्स एच केट पाई ओवर टू, तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर बाई एल एक्स स्क्वायर, ई एक्स इज इक्वल क्या था, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम था, यहाँ पर वैल्यू रखो वन बाई टू एम, और ये एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर बाई एल एक्स स्क्वायर, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एन एक्स स्क्वायर भी साथ में आएगा, तो ये एन एक्स स्क्वायर सबकी जगह कर लेना, ये यहां पर एन एक्स स्क्वायर भी साथ में आएगा, एन एक्स ये साथ में आएगा भाई, इसको कर लेना साथ में, एन एक्स साथ में आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटा देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा एन एक्स, तो एन एक्स इज इक्वल क्या आ रहा है, एल एक्स ऊपर जाएगा, पाई एच केट नीचे हो जाएगा, एल एक्स ऊपर पाई एच केट नीचे, और टू एम बाई बीटा पावर वन बाई टू इंटू यू, तो यहाँ से डी एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वो देखो डी एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, डी एन एक्स की वैल्यू आ गई एल एक्स पाई एच केट, एन का डी एन एक्स, ये पूरी पूरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट,
टू एम बाई बीटा की पावर 1 बाई टू और ये डी यू, ये डी यू करो, यहाँ तक करो एक बार। आई थिंक कर लिया होगा ये। ये लिया था भाई x एक्स के अलोंग टोटल कितने पार्टिकल थे सबके लिए, है ना। अब आगे देखो इसको डी एन एक्स, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पर पुट, समझ में आ रहा ना ये। तो यहां पर पुट करने पर जेड एक्स इज इक्वल वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस, ये पूरा मैंने यू स्क्वायर मान लिया, और डी एन एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या आ रही है, एल एक्स ओवर पाई एच कैट टू एम ओवर बीटा वन बाई टू और ये डी यू। येलो भाई, तो जेड एक्स कॉन्स्टेंट को बाहर ले लूँ, एल एक्स ओवर पाई एच कैट 2m ओवर बीटा पावर 1 बाई टू, ये बच रहा है माइनस यू स्क्वायर डी यू, माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब एक फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्वायर डी यू का, वन मान लो या जीरो मान लो एक ही बात है, इसका फॉर्मूला होता है रूट यू बाई टू, रूट यू बाई टू। इसको याद रखना, ये अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा भाई, करो इसको। या मैं ही करूं इसको रब कर दूं, तो जेड एक्स इज इक्वल एल एक्स ओवर पाई एच कैट टू एम बाई बीटा की पावर वन बाई टू और रूट, रूट पाई होता भाई, रूट पाई बाई टू, रूट पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो जेड एक्स इज इक्वल क्या क्या आ रहा है, ये टू रूट में है ना यहाँ पर, या चलो ऐसे देखो एल एक्स अपनी जगह पर है, ऊपर रूट पाई नीचे पाई, तो नीचे वाला रूट पाई हो गया, क्या हो गया ना, ये ऊपर रूट टू नीचे टू, तो नीचे वाला रूट टू हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है, एम बच रहा है, और ये क्या बच रहा है बीटा, इसकी पावर क्या बच रही है, वन बाई टू बच रही है, यही बच रहा है कि या और कुछ ही बच रहा है, ये एच केट भी बच रहा है भाई, नीचे वन ओवर एच केट भी बच रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो अब इससे जेड एक्स की वैल्यू देखो, एम ये भी रूट ये भी रूट, तो क्या हो जाएगा ये टू बीटा पाई की पावर वन बाई टू की पावर वन बाई टू, और क्या बच रहा है वन ओवर एच कैट, ठीक है, और ये क्या बच रहा है एल एक्स, ये बच रहा है। अब क्या करें, जेड एक्स इज इक्वल सिमिलरली कर दे, अब ये इक्वेशन जैसे वो थर्ड साइड थर्ड इक्वेशन है, इसको अच्छी तरह कर लेना भाई, यहाँ से चेंज करके एन एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इजी है वैसे तो। सिमिलरली एम ओवर टू बीटा पाई वन बाई टू वन बाई एच के एट और ये एल वाई और जेड जेड, एम ओवर
टू बीटा पाई पावर वन बाई टू वन ओवर एच केट और ये एल जेड, ये इक्वेशन फोर और फाइव। अतः कुल संवितरण फलन कुल संवितरण फलन टोटल पार्टीशन फंक्शन या रिजल्टेंट पार्टीशन फंक्शन जेड लिख दें उसको, क्या होगा ये जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हो, और यदि मैं चाहूँ तो बाद में उसको बता भी दूंगा। यदि तीन डायरेक्शन में है तो तीनों का मल्टीप्लाई करना, जोड़ना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ओवर वर्ड आता है ना, जहाँ पर ओवर वर्ड वहाँ पर मल्टीप्लाई करो, और जहाँ पर या जैसे मैं लिखूँ हिंदी वाला ओर आता ना वहाँ पर तो मल्टीप्लाई, और जहाँ पर या आ गया वहाँ पर प्लस। अणु या तो एक्स में जाएंगे या वाई में जाएंगे या जेड में, तब तो जुड़ते हैं, या तो एक्स में या वाई में या जेड में। लेकिन अणु ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, अणु एक्स में भी जा रहे हैं और वाई में भी जा रहे हैं और जेड में भी जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई, ये मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट छोटा सा है, ठीक है ना। तो पार्टीशन फंक्शन को मल्टीप्लाई करना, जोड़ना रही, मैंने रब कर दिया इसको। चलो भाई, समीकरण कौन सी थी, तीन चार व पांच का उपयोग करने पर, दिमाग से और स्लिप हो गया, उपयोग करने पर जेड इक्वल क्या था, देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, वन ओवर एच केट था शायद बाहर, एम अपॉन क्या था भाई, एम कौन टू बीटा पाई ऐसे कुछ था, देख लेना आप लोग और देख लेना कि पावर वन बाई टू था और यहाँ पर एल एक्स था, ठीक है ना। और साथ में क्या था, देखो ऐसे कुछ मारा था मैंने, माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच केट स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम एल एस स्क्वायर था, इसको मैंने यू स्क्वायर माना था, तो यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू थी पाई एच केट एन एक्स अपॉन एल एक्स फिर बीटा अपॉन टू एम की पावर वन बाई टू, यही था ना। तो फिर मैंने किया था du, तो ये क्या आया था भाई, पाई एच केट एल एक्स ये डी एन एक्स हुआ था, बीटा अपॉन टू एम पावर वन बाई टू, तो जो डी एन एक्स की वैल्यू थी वो क्या आई थी, ये आई थी एल एक्स ओवर पाई एच केट और ये 2m ओवर बीटा, सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ही था, m ऊपर था बीटा नीचे था, फिर ये था 1 ओवर एच केट m ओवर 2 बीटा पाई और ये एल वाई, और फिर एल जेड के लिए 1 ओवर एच केट m ओवर 2 बीटा पाई पावर 1 बाई टू पावर 1 बाई टू, ठीक है ना। तो z इज इक्वल एच केट इंटू एच केट इंटू एच केट वन ओवर एच केट की पावर थ्री, ये तीनों सेम, एम अपॉन टू बीटा पावर पावर थ्री बाई टू, एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड, एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो क्या हो जाएगा ये जेड इज इक्वल वी अपॉन एच केट की पावर थ्री अपॉन एच केट की पावर थ्री m अपॉन टू बीटा पाई की पावर
थ्री बाई टू सिंस वी इज इक्वल एल एक्स एल वाई एल जेड। याद तक करो भाई, याद तक करो, पार्टिकल फंक्शन। वैसे ये थर्ड यूनिट में अलग से भी होगा, लेकिन वहां पर एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको लिखो इसको, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपके पास में एच केट क्या था, एच अपॉन टू पाई, इसको वैल्यू वापस भी रख सकते हैं। जेड इज इक्वल एच सॉरी वी, ये क्या है यहाँ पर एच की पावर थ्री हो जाएगा और ये एट पाई क्यूब हो जाएगा, ऐसे होगा ना, एट पाई क्यूब, और ये एम अपॉन टू बीटा पाई की पावर थ्री बाई टू, ठीक है ना। अब जेड इज इक्वल वी अपॉन एच क्यूब, वी अपॉन एच क्यूब। अब देखो भाई, ये मैं यहां पर कर रहा हूं एट पाई क्यूब, ये एम अपॉन टू बीटा पाई की पावर थ्री बाई टू की पावर थ्री बाई टू। आगे जेड इज इक्वल वी अपॉन, समझना इसको, वी अपॉन एच क्यूब, ये जो आठ है इसको मैं ये कर सकता हूँ दो की पावर तीन कर सकता हूँ ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ दो की पावर तीन को दो की पावर दो, समझना, दो की पावर तीन है तो ये आठ होगा, और यदि मैं इसको पावर थ्री बाई टू में लेके जाऊं तो चार की पावर थ्री बाई टू लिख दूं, इसको ले सकता हूं ना भाई, चार क्या हो जाएगा दो की पावर दो और ये थ्री बाई टू, ये टू इस टू से कैंसिल, ले सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर फोर, ऐसे पाई क्यूब को क्या लिख दूं, पाई क्यूब को लिख दूं मैं पाई स्क्वायर, क्या लिख दूं पाई स्क्वायर, ये एम अपनी जगह पर है ही और ये टू बीटा पाई अपनी जगह पर है और ये पावर थ्री बाई टू, ये समझ लेना आप अपने हिसाब से, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और कारण मैं साइड में लिख रहा हूँ कि जो दो की पावर तीन जो आठ के बराबर है, इसको मैं दो की पावर ऐसे भी कर सकता हूँ चार की पावर तीन बटा दो, ऐसे भी कर सकता हूँ, और जो पाई की पावर थ्री है उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ पाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ऐसे भी कर सकता हूँ, ये कारण है जो मेरे साइड में लिख दिया है, ठीक है ना। अब जेड इज इक्वल वी अपॉन एच क्यूब, एक पाई कैंसिल हो रहा है क्या और एक टू कैंसिल, तो टू पाई एम बाई बीटा, ठीक है, पावर थ्री बाई टू। फिर आगे जेड इज इक्वल v अपॉन एच क्यूब, सिंस बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई के टी, बीटा की वैल्यू 1 बाई के टी, तो रखो यहां पर 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई टू, ये हो गया भाई पार्टीशन फंक्शन, लिखो इसको, ये होता है संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, आगे करते हैं इसको, अब फर्स्ट इसी में फर्स्ट पॉइंट
एक परमाणु आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, एक परमाणु आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा मीन एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मीन एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला आ चुका है आपके पास में, ई इज इक्वल के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी लॉग ऑफ जेड, फॉर्मूला आ चुका पहले एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन में आ चुका ही है, ठीक है ना। अब ये कोई इक्वेशन में दे दू ए, सिंस फॉर्मूला के पास में ये है जेड इज इक्वल वी अपॉन एच क्यूब 2πmkt की पावर 3/2, यही है ना, v अपॉन एच क्यूब 2πmkt की पावर 3/2। अब यहां पर इसका लॉग ले रखा है तो लॉग ऑफ z इज इक्वल, मैं यहां पर इसको अच्छे से समझना, लॉग v अपॉन एच क्यूब 2πmkt की पावर 3/2, ठीक है, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल, इसको ए मान लूं इसको बी मान लूं तो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो जाएगा ना, तो लॉग वी अपॉन एच क्यूब प्लस लॉग 2πmkt, ये इतना बड़ा क्यों कर रहा हूं मैं, एक शॉर्ट लाइन में देखो, शॉर्ट लाइन में शॉर्ट log of z इज इक्वल log v अपॉन एच क्यूब 2πmk की पावर 3/2 और t की पावर 3/2, ये लियो, इस ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है ना। अब इस पूरे को मान लो a, इसको मान लो b, तो log of z इज इक्वल log v अपॉन एच क्यूब 2πmk पावर 3/2 पावर 3/2 प्लस log t की पावर 3/2 t की पावर 3/2, ठीक है। अब पावर को इस log से आगे ले सकते हैं ना अपन, तो log ऑफ z इज इक्वल log v अपॉन एच क्यूब 2πmk की पावर 3/2 प्लस 3/2 log ऑफ t, 3/2 log ऑफ t। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो भाई इक्वेशन ए में, यह मान समीकरण ए में रखने पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, एवरेज ऑफ ई इज इक्वल के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड की वैल्यू यहां से लॉग वी अपॉन एच क्यूब 2π, ये ब्रैकेट कम पड़ जाते हैं कभी कभी, 2πएम के की पावर 3/2 प्लस 3/2 log ऑफ t, 3/2 log ऑफ t। तो एवरेज ऑफ e इज इक्वल, देखो के टी स्क्वायर बाहर एज इट इज, यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल है टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें कहीं पर टी आ रहा है क्या, v आयतन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, बोल्ट्जमान भी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो भी क्या है कांस्टेंट, तो यानी ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो, तो जीरो प्लस ये क्या बच रहा है 3/2 log t का 1/t, 3/2 एज इट इज log t का 1/t। तो अब एवरेज ऑफ ई इज इक्वल के टी स्क्वायर 3/2 बाई टी, एक टी कैंसिल,
तो 3/2 kT, 3/2 kT। ये हो गया भाई, लिखो इसको मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी। सेकंड करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट सीवी, सीवी इज इक्वल होता है डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी। कॉन्स्टेंट वी के लिए तो डेल बाई डेल टी, वी वहां पर है नहीं, ई की वैल्यू 3/2 kT है, तो क्या हो जाएगा 3/2 k बाहर आ गया, डेल टी बाई डेल टी की वैल्यू 1, तो 3/2 k, 3/2 k। अब 4 1 mole, 4 1 mole, 1 mole के लिए सी वी इज इक्वल 3/2 × n k, और 3/2 n k को क्या मानते हैं अपन, r, गैस नेतांग, गैस कॉन्स्टेंट, क्या मानते हैं आर, लिखो, इजी है ये। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, थर्ड पॉइंट एक परमाणु आदर्श गैस का दाब प्रेशर ऑन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ये होता है पी इज इक्वल माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल वी, टी कॉन्स्टेंट। और इक्वेशन ए मान लूँ इसको, क्या मान लूँ ए, और एफ बराबर क्या होता है, माइनस के टी लॉग ऑफ जेड, माइनस के टी लॉग ऑफ जेड, और एन के लिए मेरे मान लो ये लो एन के टी, ये लो एन के टी लॉग ऑफ जेड, तो एफ इज इक्वल माइनस एन के टी लॉग ऑफ जेड की वैल्यू, देखो लॉग जेड की वैल्यू क्या थी, वी अपॉन एच क्यूब, v अपॉन एच क्यूब 2 πmkt^3/2, यहाँ पर t को रखना है कॉन्स्टेंट, क्या रखना है कॉन्स्टेंट, f इज इक्वल माइनस एन के टी, तो क्या करें, देखो log v, इसको a मान लो, अब जो बच गया इसको b मान लो, इसको a मान लो बच गया उसको b मान लो, प्लस log 2 πmkt^3/2 ओवर एच क्यूब, ओवर एच क्यूब। अच्छी तरह देखो इसको, क्या किया, टी को कांस्टेंट रखना है ना भाई, एच क्यूब वैसे कांस्टेंट है, 2 πmk कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, इसको एक साथ रख लो और इस वी को अलग रख लो, इस वी को अलग, ठीक है। अब क्या करें, इसको रख दे इक्वेशन ए में और सोल्व कर लो, रखो
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पी इज इक्वल माइनस डेल ओवर डेल वी, एफ की वैल्यू रख दो, माइनस यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो गया भाई, एन के टी लॉग ऑफ वी, लॉग ऑफ वी प्लस लॉग 2 पाई एम के टी, टी भी है भाई, टी भी है, टी की पावर 3 बाई टू ओवर एच क्यूब, यही है ना। और कांस्टेंट पूरे में क्या रखना है, टी रखना है कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल, देखो टी कांस्टेंट है तो यहाँ पर एन के टी पूरा ही बाहर आ गया, एन के टी क्या वो पूरा ही बाहर आ गया ना। अब क्या बच रहा है, डेल ओवर डेल वी, ये बच रहा है लॉग ऑफ वी प्लस लॉग 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई टू, और ये एच क्यूब और कॉन्स्टेंट है टी, इसका मतलब पी इज इक्वल एन के टी एच डी से लॉग वी का 1 बाई वी, और ये पूरा ही कॉन्स्टेंट तो जीरो हो गया, तो पी बराबर एन के टी अपॉन वी, ठीक है। तो पी वी बराबर एन के टी, यानी पी वी बराबर आर टी, क्या है ये आदर्श गैस समीकरण, जो कि आदर्श गैस समीकरण को व्यक्त करता है, विच इज रिप्रेजेंट द आइडियल गैस इक्वेशन, लिखो इसको भाई, लिखो तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट है। देखो इस ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवितरण फलन से आदर्श गैस समीकरण की स्थापना कीजिए, संवितरण फलन से आदर्श गैस समीकरण की स्थापना कीजिए, डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग मोनो एटॉमिक पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन की सहायता से आदर्श गैस समीकरण की स्थापना कीजिए, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर ओवर है भाई। अब जो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, टाइम इनफ हो गया, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे इसी से जो डेरिवेशन चल रहे हैं अपने, कौन कौन से डेरिवेशन चल रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी चल रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी चल रहा है, एन्थैल्पी चल रहा है, मीन एनर्जी चल रहा है, ठीक है ना, और केमिकल पोटेंशियल चल रहा है, इनसे रिलेटेड ही अगला नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे, और उसमें एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आने वाली है क्लासियस क्लेपिरोन, क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण, देखिए ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन आएगी। और मैं आपको बता दूं कि पार्टीशन फंक्शन जो संवितरण फलन है ना, क्या है पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन, वो तो आपके उसमें थर्म जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें नहीं है, संवितरण फलन का आपके फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन आगे जो क्लासिस क्लेपिरोन समीकरण हो गई, या फिर आगे जैसे मैक्सवेल इक्वेशंस आएगी, हीट इंजन आएगा, सब के सब आपके थर्म उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, और दो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आते हैं, कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक प्रकार से दो यूनिट कवर होगी आपकी, तो मैं जो पढ़ाऊँ ठीक है ना, उसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ना, क्योंकि एक प्रकार से आपकी दो बुक साथ चल रही है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।